माँ रोए तो नहीं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं यार। देख लेना तू, बस कर दे, इसकी तो फिटिंग ही अच्छी नहीं आ रही। सही कहते हैं लोग, तो बस वही अच्छे होते हैं बच्चे, दो एक गंदा निकला है, दूसरा तो अच्छा निकल आता है ना। उनका क्या मतलब, ठीक ठीक है का क्या मतलब, इस उम्र में मैं दूसरा बच्चा कहाँ से लाऊं बेवकूफ। है माँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। लेकिन तू इतना इस उम्र में क्यों दे रहा है दुख अपनी माँ को? मैंने कौन से दुख दिए हैं आपको, सिवाय इसके कि नमाज नहीं पढ़ता। भाई वो तो तेरा और अल्लाह का वो है मामला। लेकिन देख मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं मुझे 2 दफा मिस कॉल आ चुकी है उसकी, क्या नाम है, मौत के फरिश्ते की है जी। और वो तो शुक्र है कि मैंने वो उसको कॉल बैक नहीं किया और फोन भी नहीं उसका अटेंड किया। पाकिस्तान में उसका नेटवर्क डाउन होगा, तो कॉल करनी होगी ना, तो वहां भी कर लेगा। यही तो कह रही हूँ कि तू मुझे वहां ले चलना पाकिस्तान, वहां जाके मैं इतना अच्छा मरूंगी। तू देखियो तो देख, यहाँ तो कोई उसका फायदा भी नहीं है, मरने का कोई रूखा फीका मजा भी नहीं है। देख क्या फायदा, ना कोई कुल, ना कोई स्वयं, ना कोई कोई रस्में, ना कोई बैन। इतना अच्छा लोग बैन करते हैं, जब कोई मर जाता है उसकी तारीफ से करते हैं, यहाँ मरने का कोई वो नहीं है मजा। मुझे तो पाकिस्तान में ही मरना है, यहाँ क्या मर के करूंगी। देख वो आएंगी, क्या नाम है, मिसेस जोन्स, मिसेस जेम्स और वो मिसेस सिंह, काली अन के लगाएंगे वो, जो तूने जिसमें मुझे डब्बे में रखा होगा, क्या नाम है उसका, ना क्या है उसको कहते, ताबूत, उस पर रखेंगी फूल और बस रूखी फीकी चली जाएंगी। अच्छा बस बस बस, आप सो जाएगी, मैं सोने जा रहा हूँ। मत लेके जा फिर तू मुझे वहां पाकिस्तान, और मैं यहाँ मर गई ना तो देखियो कि बस वो मुझे पड़ेंगे वहां शांटे कोड़े दोजख में। अच्छा लिसन, आपको अगर मेरी जरूरत हो तो इस बटन को दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। गुड नाइट, बाय। देखियो तो मैं तेरा ऐसा बटन दबाती हूँ, याद रख के मैं जी, देखना तो मैं भी करती हूँ इसका कुछ। ऑफिस वारिस, इस वक्त क्या मतलब है इस वक्त? अच्छा तुम बोलो फोन क्यों किया है? वो तुमसे एक जरूरी बात करनी मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम मुझे फोन करो, मैं तुमसे बातें करती रहूं। अच्छा ये बताओ ममानी कैसी है? ठीक है, इतनी भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान जाके मरना चाहती है वो। ओ हेलो, तुम अमेरिकन्स को मरने बनाने के लिए पाकिस्तान ही मिलता है? एक तरफ तो हमारे लोगों को मारे जा रहे हो और दूसरी तरफ मुमानी पाकिस्तान आके मरना चाहती हैं। क्यों भाई, पाकिस्तान का डेथ रेशो बढ़ाना है? तुम ऑफिस में चीख रही हो क्या? आई एम सॉरी, मैं बात बात करती हूँ। निशा आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अरे आराम से बैठ के खाओ, बहुत देर हो रही, मुझे निकलना है। दुख होता है मुझे तुम्हें इस तरह देख के। छोड़ो ये ऑफिस, शादी करो और सुकून की जिंदगी गुजारो। कर दी ना आपने छोटी बात, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कमाऊपूत है। और क्या गारंटी है शादी के बाद जिंदगी आराम से गुजरेगी? की गुजरती है भाई, मैं जा रही हूं, बाय। अच्छा बात सुनो, उस सिद्दीक ने 4 महीने से किराया नहीं दिया, मेरा फोन भी नहीं उठाता। मैं ऑफिस से वापसी पर किराया लेकर आऊंगी। ठीक है,
और जरा जल्दी आना, कुछ लोग आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? बुआ, फिर किसी को बुलाया ना आपने? अरे तो अभी से ढूंढेंगे तो ही अच्छा रिश्ता मिलेगा ना। नहीं करनी शादी बस। क्यों, तुम भगत सिंह हो और तुम्हारा दूल्हा आजादी? शाम को जल्दी आना बस। मैं नहीं आऊंगी, ऑफिस से ही ना भाग जाऊंगी। तुम्हारे तो अच्छे भी आएंगे, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम, वो भी मरे। बुआ, I hate you. I love you. Hate you. Bye. पूरी नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? यार तुमने तो आज मुझे इंसल्ट ही नहीं किया। पहले तो 5 सेकंड भी लेट हो जाऊं फिर भी सुनाती हो। आज की ये मेहरबानियां, समझ लो कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। ओके, इसका मतलब है हीरो की कॉल आई थी। कब आ रहा है पाकिस्तान? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया। तो तुम बोल देती क्या? फारिस, आई लव यू सो मच, पाकिस्तान आ जाओ प्लीज। मैं और प्लीज बोलूं उसे? कभी भी नहीं। और वो भी तो मुझसे प्यार करता है, उसे आना होगा, खुदा जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर दूं ताकि बाद में मुझे ताने दे कि तुमने कहा था आ जाओ। हो सकता है वो तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा हूँ। तो करता रहे, मैं भी कर लूंगी। सिपाही पे प्रेजेंटेशन तुम्हारी नहीं थी? अरे हाँ यार निशा, ये तो हमारा प्रोजेक्ट था। बॉस से बात करती हूँ। बॉस, बॉस मैं 3 महीने से पागलों की तरह इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रही हूँ। मैंने तो खाकर भी देखी है दोस्ती सुपारी, बहुत बुरी थी, लेकिन फिर भी मैंने ना इसके कमर्शियल के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सोचा है। ओह, चुड़ैल ने पकड़ लिया। सर चुड़ैल नहीं है, इस कमर्शियल में एक बच्चा है। निशा, मैं अपने गेम की बात कर रहा हूँ। सर गेम तो आप खेल चुके हैं, आपने मेरा प्रोजेक्ट उठा के उस अहमद को दे दिया। दिस इज नॉट फेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस एंड बिजनेस। अब रोना बंद करो और जाकर उसकी हेल्प करो। मैंने कहा ना, हेल्प हिम। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। गो। ठीक नहीं कर रहे आप। निशा बेटी कब तक आ जाएगी? मेरी फोन पे बात हुई है, बस आने वाली है। देख लिया? मेरा बस नहीं चल रहा, मैं मुसाहमत के बच्चे का कत्ल कर दूं। उसने बॉस को मक्कल लगा के हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया। काम डाउन लूसी, मेरा ना खून खोल रहा है इस वक्त। बस कर दो, हाथ पे बैठे हुए मच्छर को तो मार नहीं सकते हो, उस अहमद से क्या खाक लड़ोगे? तुम मुझे डरपोक कह रही हो। एग्जैक्टली, इसीलिए तो तुम्हारा नाम लूसी है। मैं तो समझता था तुम मुझे प्यार में लूसी कहती हो। अभी बता दूं तुम्हें मैं अपना गुस्सा, एक हाथ का नहीं है मेरे अहमद। ओ रिदा, मैं अपने 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 हाथों से कॉफी बना देता हूं ना तुम्हारे लिए। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला ना दबा दूं?
गलती से हो गया, वो जानबूझ के थोड़ी किया मैंने। नया टॉप था मेरा, सारा खराब कर दिया। सॉरी। बड़ी सॉरी की तुम्हें, अब आधे घंटे में बॉस के साथ मीटिंग है, ऐसी ऐसी हालत में जाऊंगी मैं। गुस्सा क्यों कर रही हो, जानबूझ के थोड़ी किया। ठीक है, नहीं करती गुस्सा, अभी इसी वक्त मेरे घर जाओ, मेरे कपड़े लेकर आओ। आर यू मैड, आधे घंटे में बॉस। एग्जैक्टली, आधा घंटा है तुम्हारे पास, जाओ। रिदा, लूसी तुम जा रहे हो या नहीं? अच्छा, जा रहा हूँ। वो जाओ। मैंने प्रेजेंटेशन पे इतनी मेहनत फजूल में की थी। तुमने कोई भी मेहनत का फजूल नहीं छापी। ठीक तो कौन रहे लूसी? सुनो, मैं ना उसको संभालती हूँ, तुम उसकी प्रेजेंटेशन को संभालो। हाय। हाय निशा। प्रेजेंटेशन की तैयारी हो रही है? यस। कितना काम करते हो तुम, थकते नहीं हो? आई Love my job. कॉफी पियोगे? कॉफी? हाँ, अपने लिए बना रही थी। If you want to, in fact, अगर तुम मेरे साथ चलो, तब कुछ बातें-बातें भी कर लेंगे। Sure. चलो फिर। की बातें करते ना? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ ना। अहमद शुरू करें। जी बॉस, बस एक मिनट। अहमद, क्या हुआ अहमद? प्रेजेंटेशन नहीं बनाई क्या? बॉस बनाई थी लेकिन मिल नहीं रही। मतलब? बॉस वो क्या हुआ? अब निशा, तुमने प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, कहाँ है वो? यस बॉस। लूसी, यूएसबी देना। शक्ल देखने वाली थी अहमद की, वैसे उस बेचारे पे ना मुझे तो थोड़ा थोड़ा तर्ज भी आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है उस पे तर्ज खाने की। प्रेजेंटेशन हमारी, मेहनत हमारी और सारा क्रेडिट वो ले जाता। मुझे ना तुमसे और निशा से ना डर लगता है, तुम लोगों के दिमाग में ना शैतान है। ये मत भूलो लूसी कि प्रेजेंटेशन तुमने ही डिलीट की थी। हाँ, तो इंसान शैतान की बहकावे में आता है ना। बिन माँ बाप की बच्ची है, बहुत मासूम है, मैंने ही पाला है उसे। सिद्दीकी साहब, चुपचाप मेरा किराया दे दे, वरना सारा सामान उठा के ना बाहर रोड पे फेंक दूंगी। मजाल है जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात की। चले मान, माना आपके पास किराया है, लेकिन बुआ का फोन तो उठा ले। कब से बेचारी फोन कर रही है आपको? मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, बात यह है कि मैंने चूजे खरीद लिए थे और ये सोचा था कि ये मुर्गे मुर्गियाँ बड़े हो जाएंगे तो बाजार में जाके बेच दूंगा, प्रॉफिट होगा तो तुम्हें किराया भी दे दूंगा। मगर मुझे क्या पता था कि ये जवान होने से पहले ही बीमार होकर मर जाएंगे। दौड़ में गई आपकी मुर्गियाँ और आपके चूजे। अच्छा एक मिनट, मैं भी आती।
आपकी बुआ क्यों फोन कर रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुआ। नहीं बुआ, निशा तो नहीं है मेरे साथ। हाँ, उसने बोला था कि उसे सिद्दीकी साहब के यहाँ जाना है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या कह रही थी बुआ? निशा अभी तक घर नहीं पहुंची और बुआ परेशान हो रही है। लड़के वाले आ रहे हैं ना आज उसे देखने। What? लड़के वाले आज फिर? हाँ, और आज फिर लड़के वालों की खैर नहीं है। एक तो ना ये निशा बुआ को बता क्यों नहीं देती फारिस के बारे में? ये रोज रोज के रिश्ते आना तो बंद होंगे ना। जी, निशा ने आज तक फारिस को नहीं बताया, बुआ को क्या खाक बताएगी? ये निशा ना मेरी समझ में नहीं आती। मुझे अपना किराया चाहिए। क्या बात है बुआ? किधर हो? सिद्दीकी साहब के पास किराया ले रही हूँ। छोड़ो किराया विराया, फौरन घर आओ, मेहमान आए हुए। बुआ तस्वीर दिखा देना उन्हें, मैं तो आज इनसे किराया लेकर जाऊंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ फौरन घर आओ। सिद्दीकी साहब, आप चाहे मुर्गियां पाले या डायनासोर, मुझे अपने 5 महीने का किराया चाहिए, सुना आपने? आपने खामा खामे बहुत तकल्लुफ कर दिया। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ तो आप लोग करो, ले ना। वैसे निशा बेटी कब तक आ जाएगी? मेरी फोन पे बात हुई है, बस आने वाली है। देख लिया, क्या दोबारा एंट्री दूं? निशा बुआ, तसल्ली करने दे इनको, एक मिनट। हाँ ये देखिए, चलती भी हूं मैं, शक्ल भी बेहतर है मेरी, इंग्लिश भी आती है मुझे, खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता, कुछ फट जाए तो नया ले लेती हूँ, उसे सिलाई कढ़ाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, नाम क्या है तुम्हारा? जी शराफत। यक, शराफत? बुआ, नाम में शराफत है? हरकतें शरीफों वाली है नहीं, एक वक्त में 2-2 समोसे खा रहा है। ओए, बाप का माल समझा है क्या? क्या कर रही हो? इंटरव्यू ले रही हूँ बुआ। तो हेलो, क्या करते हो तुम? MBA किया है बुआ, कारोबारी आदमी है, रिश्ते में भी ना ये नफा नुकसान ढूंढेगा, इसके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। क्या कर रही? ये क्या बदतमीजी हो रही है? अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। रुकेगा भी मत, वरना जो इतना कुछ आपने खाया है ना, उसका बिल देना पड़ेगा। और 1 मिनट ये मत सोचिएगा कि आपके बेटे ने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं आपके बेटे को रिजेक्ट कर रही हूँ। चलें, चलिए, खुदा हाफिज। हाँ चलिए चलिए, बहुत इज्जत करवा दी आपने। मेरी बात तो सुने, आ गया वो तो वैसे ही, वो मैं कर रही थी इसको चेक के, वो कहीं मैं वो तो नहीं वीक सेल। मां, दिस इज नॉट फेयर, जान ही निकाल दी आपने मेरी। अरे बेटा, तेरी तो अभी जान और निकलेगी जब तुझे ये पता चलेगा कि वो तेरी नहीं। अब क्या मतलब? नौकरी। व्हाट भाई, मैंने उनसे दावर साहब से कहा, पुराने जानने वाले हैं ना, तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा लड़का नहीं लेके जा रहा मुझे पाकिस्तान, तो जरा इसको निकाल दें 2-4 महीने के लिए नौकरी से, तो उन्होंने फिर निकाल दिया। कैसी माँ है आप? माँ तो बेटों की नौकरी की दुआएं करती हैं, आपने नौकरी से निकलवा दिया मुझे यार। अरे बेटा, अभी तो तुझ पर एक और फोड़ूंगी मैं बम। अब क्या है? वो हमारी ना शाम की
सीटें बुक हो गई हैं पाकिस्तान की फ्लाइट की। माँ आप यहाँ चुप कर, तेरी मरती हुई माँ की ये है वो आखिरी सेकंड लास्ट ख्वाहिश। सेकंड लास्ट? तो फिर लास्ट क्या है? बता दूंगी, वो भी तुझे बता दूंगी, पाकिस्तान जाके। अच्छा अब जा ना, वो कर ले अपनी जाके चीजें, क्या नाम है, पैक कर ले। तो पैकिंग भी खुद कर दे, ये सब कुछ खुद ही कर दिया आपने तो। भाई वो तो बहुत ही क्या नाम है, अजीब ही कोई लड़का है, हराम सा है। चल जल्दी से कर ले पैकिंग। शाबाश। बोलो फोन क्यों किया है? ये बताने को फोन किया है कि मैं और माँ पाकिस्तान आ रहे हैं, अभी 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। कौन तो खा ले? मैं नहीं खा रही, मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्यों क्या? मेहमानों के साथ कोई इस तरह करता है? कौन मेहमान? वो कोई चाची मामानी ताई की बेटी है मेरी। और बात सुने, हमारे घर आने से पहले ना वो 4-5 और लड़कियों को रिजेक्ट करके आ चुकी है, उनके घर के खाने खा खा के। तो रिश्ते इसी तरह होते। अब मैं उस शराफत से तो शादी नहीं करने वाली। जरा सोचे शादी के बाद मेरा नाम क्या होता? निसा शराफत। मैं और शराफत। अच्छा, तो फिर मुझे वो नाम बता दो जिसके साथ तुम अपना नाम जोड़ना चाहती हो, ताकि मैं उसी नाम का लड़का ढूंढ दूं। कल को मर गई ना तो तुम्हारे अम्मा अब्बा मुझसे पूछेंगे कि एक लड़की की शादी भी नहीं करा सकती थी। फिर वही बात की ना, अच्छा खासा मैं खुश थी, बिला वजह मुझे सेट कर दिया। खाना खाओ। मुझे नहीं भूख लग रही, मैं नहीं खा रही। गुड नाइट। अरे तो ना खाओ। मैं तो जरूर खाऊंगी भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हेलो। हे हाय। टाइम देखा है तुमने? हाँ, 3 PM। दोपहर के 3 बज रहे हैं, क्यों? तुम अमेरिका में हो, मैं नहीं हूँ। यहाँ रात के 1 बज रहे हैं। बोलो फोन क्यों किया है? ये बताने को फोन किया है कि मैं और माँ पाकिस्तान आ रहे हैं, अभी 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। तुमने ये बताने के लिए मेरी नींद खराब की है? हद है। नहीं लिसन, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वो हमें पिक कर लेना एयरपोर्ट से यार। ओ हेलो, हमारे मुल्क में भी ना एयरपोर्ट की कैब सर्विस है। मैं नहीं पिक करने आ रही, मुझे ऑफिस जाना है। सारी नींद खराब कर दी मेरी, खुदा हाफिज। अरे तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, देर हो जाएगी, वो उड़ जाएगा, क्या नाम है उसका जहाज है, जल्दी कर। Give me 5 minutes। अब जल्दी कर लेना, हम खैर देर हो गई तो। कैसा अजीब सा वो लिया हुआ सूटकेस है जी, लाल रंग का।
आर यू मैड? परसों क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखानी है, वो भी उस प्रोजेक्ट की जिसके लिए तुम मर रही थी, और अब तुम्हें छुट्टी चाहिए। मेरी मजबूरी है बॉस, मैंने बहुत सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट अहमद मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकता है, और फिर लूसी और रिदा है ना उसकी मदद करने के लिए। बोलिए जो बोलना था, अब जाओ और प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। एक बात नहीं पता है आपको? अब क्या? अहमद ने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वो मैंने गुस्से में आके डिलीट कर दी थी। क्या? अब तो वो प्रोजेक्ट आप अहमद को ही देंगे? नो। ठीक है, छुट्टी नहीं दे रहे ना? मेरा पिछला रेजिग्नेशन पड़ा है ना आपके पास, उस पे आज की डेट डाल के साइन कर लीजिएगा। मैं रिजाइन दे रही हूं, बाय। आज फारिस कराची आ रहा है, इनफैक्ट अब तक तो पहुंच भी गया होगा। हे? तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार? ढोल वालों को लेके एयरपोर्ट पहुंचते हैं। बस तू भी जो है ना उनमें घुसा रहे अपने बाप के खानदान वालों में। कोई कम दुख नहीं दिए उन लोगों ने मुझे। ये सब क्या था? क्या ये रिजाइन और छुट्टी? वो मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, वो सब कुछ जो हमने अहमद के साथ किया। अच्छा, तो आप मुझे बॉस की तरह बेवकूफ समझती हैं? चलो बताओ क्या सीन है। वो आज फारिस कराची आ रहा है, इनफैक्ट अब तक तो पहुंच भी गया होगा। हे? तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार? ढोल वालों को लेके एयरपोर्ट पहुंचते हैं। रुक रुक, मैं लूसी को लेकर आती हूँ। लिसन, हम एयरपोर्ट नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको ऐसा लगे कि मैं उसे इम्पोर्टेंस दे रही हूँ और एमी उसके भरम भर जाए। तू आखिर चाहती क्या है मेरी माँ? एक तरफ उसके आने की खुशी में सब कुछ छोड़ दिया और दूसरी तरफ पिक करने नहीं जा रही है। रात में जाऊंगी ना बुआ के साथ उससे मिलने। अच्छा, तो इंतजार हो जाएगा मैडम से? होगा तो नहीं, मगर कर लूंगी। उफ, क्या तीनों का यार, हीरो हीरोइन 8 साल के बाद आमने सामने। दिल में कितनी ही बातें जो करनी है, लेकिन बुआ हीरो की माँ का बाप में हड्डी, तब तो आंखों ही आंखों में बातें भी होंगी। हेलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा चल, फारिस के आने की खुशी में चाय तो पिला दी। ये लूसी कहाँ रह गया यार? चलो हम तो चाय पिए। हाँ चलो। बात है भाई, अपने मुल्क की तो उसी हवा की भी क्या बात है, सुकून मिल गया माशाल्लाह। माँ, ये पोल्यूशन है, हवा नहीं है, प्लीज बंद करें इसे। चुप रहे बस तू भी। ये वो क्या नाम है इसका, भैया बंस रोड है ना अभी तक यहाँ है? माँ, हम 100 साल बाद नहीं आ रहे हैं कि बंस रोड खत्म हो गया हो यार। अच्छा, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है वो खाने को, क्या नाम है, बंस रोड की चाट से चले। लिसन, अगर आप ये सोच रही है ना कि यहाँ आके मैं आपको बदतमीजी करने दूंगा, ये आपकी भूल है। भैया जहाँ बोले वहीं चलो। हाय, शुक्र है सुकून आ गया। ओहो, क्या शानदार लोग थे भाई तेरे। पर दादा का याद आ गई, अंग्रेजों से लड़ते हुए
क्या नाम है, जख्मी हुए बहुत बुरी तरह, बस शहीद होने वाले थे लेकिन हुए नहीं, आन के मरे तो दिल्ली में, और इसी तरह तेरे दादा भी। 1947 में भलवाइयों ने वो कर दिया उस पर, हाँ ट्रेन पे हमला, बुरी तरह जख्मी हुए लेकिन मरे नहीं, आन के पाकिस्तान की सरहद पे मरे। माँ अभी बातें मुझे क्यों बता रही है, मैंने क्या हिस्ट्री का पेपर दे रहा? इसलिए बता रही हूँ कि कभी ना कभी तो क्या नाम है वो, किसी ना किसी ने मरना ही है, तो इंसान वहीं आके मरे ना जहाँ की वो अपनी क्या मिट्टी है। शुक्र हम तो यहाँ हो गए। तूने इत्तला कर दी सबको? नहीं, मैं यहाँ जानता ही किसको हूँ। 8 साल पहले एक बार डैड के साथ आया था, वो भी फुप्पी की डेथ पर। यहाँ सिर्फ निशा को पता है कि हमारे बस तू भी जो है ना उनमें घुसा रहे अपने बाप के खानदान वालों में। कोई कम दुख नहीं दिए उन लोगों ने मुझे, बस ऐसे ही है, एक माँ का भी वो है खानदान। खैर अब तो आ जाएंगे, मौका अच्छा है, मिलने आ जाएंगे सब लोग। बहरहाल तू वो देख ले क्या नाम है, इंतजाम वगैरह चेक कर ले, थोड़ा ही वक्त रह गया। हाय ओह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। बुआ हम जा रहे हैं? नहीं, कह दिया ना नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है शॉप से जाओ। मेरा क्या है, मुझे थोड़ी कुछ कहेंगी, सारे खानदान में बैठ के आपकी बुराइयां करेंगी। मैं नहीं जा रही भाई, मुझसे तुम्हारी मरी हुई माँ की बुराइयां नहीं सुनी जाएंगी। तो आप नहीं जाएंगी तो क्या वो बुराई नहीं करेंगी? बल्कि उन्हें तो और मौका मिल जाएगा, ससुराल में एक ही रिश्तेदार है, वो भी मिलने नहीं आए। अब हुआ हम जा रहे हैं? नहीं, कह दिया ना नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है शॉप से जाओ। मेरा क्या है, मुझे थोड़ी कुछ कहेंगी, सारे खानदान में बैठ के आपकी बुराइयां करेंगी। पता है वो बीमार भी हैं, हमारा दिल चाहे ना चाहे मजबूरी है, आखिर अखलाकियात भी कोई चीज होती है। ओफो, आज तो बड़ी अखलाकियात की बातें कर रही है। चलो फर्ज करो अगर हम चले भी जाते हैं तो क्या नफीसा बेगम हमें मुंह लगाएंगी? मुमानी से इतनी नफरत अम्मी भी नहीं करती थी जितनी आप करती हैं। हो सकता है हमारे जाने से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। नहीं, कुछ भी हो सकता, आपने नहीं जाना तो मैं फोर्स नहीं कर रही। पता नहीं अचानक मुमानी की मोहब्बत कहां से जाग उठी। चलो ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन सुन लो 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगी। ठीक है, तैयार हो। ले आते चले आ गए हम, कुछ ले आते खाने को, फ्रूट्स ले आते उसके लिए। जस, मेरे पीछे मत छुपो, इस तरफ आओ। चलो कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना। आप लोगों का इंतजार कर रहा था, इनफैक्ट फोन करने वाला था, फिर मुझे याद आया मेरे पास तो सिम ही नहीं है। हाँ वो मैं सोचा लंबी फ्लाइट है, थक गए होंगे, सुबह चलेंगे। नॉट रियली, लेकिन बुआ ने कहा कि अभी जाना है तो। अरे आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना, आइए। नहीं नहीं बेटा, आप लोग थके हुए होंगे, मैं तो बस आई थी कि नफीसा की तबीयत पूछ लूं। कहाँ है वो? जी अपस्टेयर्स, ये राइट साइड पे एक रूम है, यहाँ पे होंगे। Hey, what's up? आओ ना बैठे।
इनफैक्ट लिसन, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस बुआ आ जाए तो हम चलेंगे। निशा, फारिस जी, तीनों बहनों की बेटियों से उनमें से किसी एक से कर लेगा ना तो शादी। I was about to call you, तो की क्यों नहीं? कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम बिजी होगी ऑफिस पे, बस इसीलिए। ऑफिस छोड़ दिया ऑफिस मैंने, आजकल बेरोजगार हूँ। क्यों? बस बॉस को मैं समझ नहीं आ रही थी और मुझे बॉस समझ नहीं आ रहे थे। मुझे समझ कर तुमने कोई एग्जाम देना है? चलो अब यहाँ आ गए तो ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर रो लेते हैं। ओ हेलो, ये मेरे रोने की जगह है? तुम्हें यहाँ साथ लेकर आई हूँ, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है।